जाइए आप लोग, देखिए कित सच्चाई है ये नॉन बेन मशीन। कैमरा मुझे उधर दिखाइए, चार चार। देखिए दो चार छः पाँच है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल संदेश के सर्फ मित्र पे। अभी जो सर्फ रिस्क्यू किए थे हमने कल से लेकर आज तक, उनको यहीं आजाद करने के लिए जंगल में आ चुका हूँ और अपनी टीम के साथ यहीं इनके लिए जगह फिट बैठेगी। यह पर्यावरण के लिए काफ़ी फिट जगह है, इनके लिए काफ़ी हरियाली है, नदी का किनारा है, पानी है, बहुत बड़ा जंगल है। और पहला शुभ सर्फ हम दिखाते हैं रेड स्नेक यानी धामन। एक विकास, एक दीप इसके अंदर होगी निकालना। देखिए ये बिना जाए एक बैग के अंदर होगा निकालना रेड रेड इसमें इधर उधर वाले मीटर वाले। हाँ इधर 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 वाले में इसको पकड़िए, इधर बाइक को पकड़िए, ऊपर से पकड़ना, ऊपर से इधर से। हाँ इसको ऐसे ही रखा। ये तीन है रेड स्नेक जो कि नॉन बेनमस होते हैं, बिना जहर वाले। हर वीडियो में बताता रहता हूँ, थोड़ा जल्दी में हूँ इसलिए इनको पहले आजाद करता हूँ। जाइए आप लोग, देखिए कितनी खूबसूरती है इनके चलने का अंदाज, देखिए बहुत ही चीज। एक है कॉमन रेड सेंडबोआ, यह बहुत ही शांत स्वभाव का सर्प होता है, इसको हमें छोड़ दें क्योंकि बहुत अस्थायी चलता है, बहुत धीमी गति से चलता है, मिट्टी के अंदर रहता है। ये है मेरे पास दो मोनिटर लीजर जो कि नॉन बेनमस होते हैं, ये भी लोग कहते हैं बिस्कपड़ा बहुत ही जहरीला होता है, लेकिन ये नॉन बेनमस है, बिना जहर वाले। ये अफवाह फैला गया हमारे हिंदुस्तान में, सच्चाई है ये नॉन बेनमस है। दो है अभी, देखिए इनकी स्पीड कितनी तेज होगी, बहुत ही तेज भागेंगे। वाह कितनी, देखिए एक ही बैठा रहा, ये देखिए स्पीड तो इनको मुश्किल हो जाएगा, कोई ढूंढ नहीं सकता इन्हें। अब मेरे पास एक है वाटर स्नेक यानी चिकन केल बैग, जिसको हमारे गाँव की भाषा में डोढ़ा बोलते हैं। इसको भी याद करना, बहुत गुस्सेल किस्म का होता है, चिड़चिड़े किस्म का होता है। दिखाई पैटर्न का नदी से इसके नजदीक हाथ पैर पड़ते ये बाइट कर देता है और बहुत जोर का काटता है। कैमरा मुझे उधर दिखाइए, देखो इसके अंदर है कॉमन क्रैब जो कि भारत के सबसे जहरीले सर्प है। तो सावधानी बरतनी पड़ेगी यहाँ पे क्योंकि यह जहरीले है, थोड़ा बच के काम करना चाहिए। स्टैंड बाजी नहीं करता हूँ, स्टैंड बाजी करने वाले ही धोखा खाते हैं। एक दो तीन चार 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 जाने दीजिए उनको, अब चले जाएंगे। यह है स्पेटकल कोबरा जिसको भारतीय नाग कहते हैं या हिटार कहते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषा से नामों से जाना जाता है, अपनी अपनी भाषा होती है इनका नाम चुनने के लिए। बिहार में से गेहूरा पलटू गेहूं सब कहते हैं, हमारे इधर उत्तर प्रदेश में नाग या फिटार कहते हैं। अब तो लोग पढ़े लिखे हो गए, सब कोबरा ही बोलते हैं। इनकी भी काउंटिंग करके बताता हूँ कितने हैं, देखिए दो चार छ पांच है। वो तो भाग गए हैं। हाँ दो, तीसरा भाग रहा है। ये देखिए बिल्कुल ब्लैक है वाला, दिखाइए कैमरा में। और ये काफी बिग साइज है, काफी बिग साइज है। ये किसके अंदर है स्पेटल कोबरा, इस बोतल के अंदर ही घुस गया था पानी पिलाते समय, भिखारी पूरी रात में पकड़ा था ना जो, इसमें थोड़ा निकलना टफ हो जाता है बाथरूम के अंदर से।
इसके मंडी आ रहे हैं। नाम निकल रहा है निकल गया इसको। जाने दे, चलिए ठीक है। चलिए हम ना, हमने अपना मिशन पूरा कर दिया। जिनको भी कैद किया था कल तक, उनको आज़ाद कर दिया हमारे इलाके। हमारा मिशन यही है, हम फटाफट इन्हें आज़ाद कर दें, क्योंकि ज़्यादा देर तक पकड़ कर रखना कानूनन अपराध है। तो कानून का पालन करते हुए हमारे पास 7 कोबरा थे, 4 कोमन कर रहे थे और 2 मोनिटर लिजर्ड, 3 रेड स्नेक, एक था वो मेरे पास क्या बोलते हैं वाटर स्नेक, एक था कॉमन संडबुआ। तो हमने इतने सांपों को आजाद कर दिया, जब हमें इतने काम मिल रहा है लोकल एरिया में, इधर सोने नहीं दे रहे हैं, जगाते रहते हैं, हमें भी अच्छा लगता है। चलिए हम लोग को लोगों की सेवा करते हैं और सांपों को बचाने में बहुत ही मजा आता है मुझे तो। नेक्स्ट मिलते हैं किसी वीडियो में किसी जीव जंतु के साथ, तब तक खाद्य को सबका धन्यवाद देता हूँ। तो सर्फ मित्रों से ही निवेदन करता हूँ, जितने भी रेस्क्यूअर हैं कानून के दायरे में रह के काम करें, अन्यथा आपके ऊपर कोई कार्रवाई ना हो। चलिए नेक्स्ट मिलते हैं किसी वीडियो में किसी जीव जंतु के साथ, तब तक खाद्य को धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।